हेलो एंड वेलकम दोस्तों, डिफाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज जो है इस वीडियो में जिस मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को आज समझने वाले हैं, उसका नाम है पाइप। पाइप को आज समझने वाले हैं क्या होता है वो। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में, बहुत सारी जो टर्म्स थी रिलेटेड टू दैट टॉपिक अभी हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम समझने वाले हैं पाइप्स को, इस मैकेनिज्म को, कि भैया कैसे रिलेटेड प्रोसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग दिस रिस्पेक्टिव पाइप मैकेनिज्म। ठीक है, आज इसे हम लोग समझते हैं। और इसका अगर एक बेसिक मीनिंग आपको जानना होगा तो ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया ना, ये उसका मीनिंग, एक बेसिक नेचर, एक बेसिक बिहेवियर जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देगा बड़े आसान तरीके से। ये एक आपका पाइप है, ठीक है। पाइप तो आपको पता ही होगा, दो एंड्स होते हैं, एक एंड से पानी डालते हो, दूसरे एंड से पानी निकलता है। पानी डालने वाला मतलब नल है और दूसरे एंड से निकल रहा है, बकेट के अंदर निकल रहा है, बराबर। तो ऐसे दो एंड्स हैं। तो अभी जो पहला एंड है उसमें मान लो मैंने कोई राइट ऑपरेशन किया, इस एंड के थ्रू मैंने राइट ऑपरेशन किया, और जो दूसरा अदर अपोजिट एंड है उसमें मैंने क्या किया, रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे इस साइड में एक मेरा प्रोसेस है पी नॉट, और यहाँ पे एक प्रोसेस है मेरा पी वन। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ से पी नॉट कुछ P1 को बताना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है। तो P0 जो है P1 से कुछ कहना चाहता है, तो वो कैसे कहता है, सिंपली वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और वो जाता है आपके पाइप के थ्रू ऑन द अदर एंड, और जो वो P1 है उसे रीड करता है वॉट एवर द मैसेज और डेटा विच वॉज बींग इन अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सेंड फ्रॉम द P0 एंड, फ्रॉम द अदर एंड। तो वो क्या करता है, P1 उसको रीड कर लेता है और कम्युनिकेशन जो है आपका हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने एक नेचर, जो एक बेसिक चीज अगर नोटिस की होगी, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। आपने कभी देखा है पाइप के अंदर कि सिर्फ पानी जो है वो एक ही डायरेक्शन में बहता है, बराबर है कि नहीं? ऐसा कभी देखा है कि पानी यहाँ से भी आ रहा है, पानी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी, मतलब साइंस की पूरी ऐसी की तैसी कर दी, ऐसा तो नहीं है। तो पाइप के थ्रू आपका सिर्फ जो है, जो आपका फ्लो है, यहाँ पे आप कह सकते हो डेटा इंफॉर्मेशन का फ्लो, रियल लाइफ में आप पानी का फ्लो कह सकते हो, वो एक ही डायरेक्शन में। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़। अब एक और चीज़ समझते हैं कि ये मान लो जो P1 है ये बहुत उतावला बंदा है, इससे रहा नहीं जा रहा, ये रीड कंडक्ट करता है पाइप के ऊपर, ओके और देखता है कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा उसके लिए है या नहीं, कुछ कम्युनिकेशन, कोई प्रोसेस उसके साथ करना चाहता है नहीं, ओके और ये वो तब कर रहा है बिफोर पी नॉट हैज रिटर्न एनीथिंग इनटू द पाइप, बराबर है। मतलब क्या कि ये जो P1 है ये रीड कंडक्ट कर रहा है बिफोर पी नॉट हैज कंडक्टेड राइट, समझ में आया? मतलब जब तक कुछ लिखा ही नहीं गया तब तक ये रीड क्या करेगा, कॉमन सेंस। तो इसलिए इस P1 को थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया जाता है। कब तक के लिए? जब तक कुछ राइट ना किया जाए। जब तक वो राइट ना किया जाए तब तक इसको बोला जाएगा, रुक जा भाई, किस बात की जल्दी है इतनी तेरे को, किस बात की जल्दी है, ओके तो थोड़ा रुक जा, थोड़ा सा। कब तक रुकना है? जब तक यहाँ पे पी नॉट आपका कुछ राइट नहीं कर देता, और जब वो राइट अवेलेबल हो जाएगा तब P1 को बोलेंगे जा जा देख ले, तेरे को देखना था ना इतनी जल्दी मची थी, जा अभी देख, अब रीड कर, रीड करेगा और कम्युनिकेशन आपका एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो मेनली दोस्तों ये जो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस कम्युनिकेशन। इन पाइप मैकेनिज्म हम लोग मेनली जो बात करते हैं प्रोसेस कम्युनिकेशन की, उसमें एक तो आपका चाइल्ड होगा या पेरेंट होगा, ऐसे प्रोसेसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश होता है इन वन डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे तो बेसिक पाइप का नेचर समझ में आ गया मुझे, ठीक है। अब ये जो पाइप है इसे मुझे क्रिएट भी तो करना पड़ेगा ना, अगर मुझे पाइप को क्रिएट करना है तो मुझे सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी ना, और अगर सिस्टम की मदद लेनी है तो मुझे सिस्टम कॉल करना पड़ेगा ना, और अगर मुझे सिस्टम कॉल करना है तो उसका वो सिंटैक्स यहाँ पे मैंने लिखा है ना, तो क्या सिंटैक्स है, सिंपली पाइप। ये जो पाइप है, ये जो पाइप है ये आपका सिंटैक्स सिस्टम कॉल है, ठीक है। और इसका प्रॉपर सिंटैक्स जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, पाइप है और अंदर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जिसके बारे में अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, इंट FDS, ओके टू, और यहां पे रिटर्न कर रहा है वो इंट, ये बेसिक है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पे रिटर्न वो कर रहा है, रिटर्न अगर मान लो इस सिस्टम कॉल का जीरो होता है, रिटर्न अगर जीरो होता है तो उसे हम बोलेंगे सक्सेसफुली द पाइप इज क्रिएटेड, कोई टेंशन मत लो, पाइप आपका क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। लेकिन अगर वो -1 आ जाता है, रिटर्न अगर -1 करता है, तो इसका सिंपल मतलब क्या है, भैया कहीं ना कहीं कुछ तो झोल हुआ है, कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो कांड हुआ है, फेलियर हुआ है। सो दिस इज सिग्निफाइंग द फेलियर इफ -1 इज रिटर्न बाय दिस सिस्टम कॉल। और अगर मुझे चेक करना है कि भैया इस फेलियर का कॉज क्या है, कारण क्या है, बताओ तो सही, काहे ये गलत हुआ, ये काहे पाइप को क्रिएट नहीं कर पाया, तो इसके लिए आप सिंपली इस फंक्शन को यूज कर सकते हो टू नो द कॉज ऑफ द एरर, टू नो द कॉज ऑफ द फेलियर, पी एरर फंक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे ये दो चीजें क्या है भाई साहब,
तो जब आपका पाइप क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे जैसे लिखा है FDS2, तो जिसे हम लोग कहते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर्स आर गेटिंग क्रिएटेड, फाइल डिस्क्रिप्टर्स भी आपको दे दिए जाते हैं फ्री में। पाइप क्रिएट हुआ, उसके साथ फाइल डिस्क्रिप्टर्स आ गए, दो 0 और 1 वैल्यू के साथ। अब ये फाइल डिस्क्रिप्टर जो है हमारे किस काम आने वाले हैं ये तो जरा पहले बताओ। तो दिस इज बेसिकली फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। ओके, तो इस मैकेनिज्म में, इस पाइप मैकेनिज्म में जो भी रीड या राइट हम लोगों को परफॉर्म करना है उसमें ये फाइल डिस्क्रिप्टर्स बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा FD0 है दिस इज फॉर रीडिंग पर्पस, ये किस लिए होता है, फॉर रीडिंग पर्पस। और ये जो FD1 है ये हमारा होता है फॉर राइटिंग पर्पस, यानी आपको ये FD0 जो है वो रीड एंड ऑफ द पाइप पे देखने को मिल जाएगा और जो FD1 है वो आपको राइट एंड ऑफ द पाइप में देखने को मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक चीज, बेसिक नेचर। अब आते हैं भैया इसके ऊपर, एक और थोड़ा सा बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं। क्या है वो बिहेवियर, कि आपका जो ये पाइप है बेसिकली इसका जो वर्किंग है ये एक तरीके से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जैसे कि आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता उसी तरीके से है कि जो डेटा सबसे पहले गया है वहीं से आपका जो रीड साइड से पहला वही डेटा निकलने वाला है। तो जो फर्स्ट इन गया वही फर्स्ट आउट आने वाला है, सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन अभी इसमें जो एक पाइप के अंदर एट अ टाइम आप कितने बाइट्स रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ये भी एक चौंका देने वाला फैक्ट है। जैसे कि यहाँ पे जो राइट है, यू कैन परफॉर्म अ राइट ऑफ अबाउट 512 bytes एट अ टाइम इन अ पाइप। राइट परफॉर्म कर सकते हो आप कितने का, 512 bytes का एट अ टाइम इन अ पाइप, सिंपल। लेकिन जब मैं रीड की बात करता हूं तो रीड में क्या होता है, आप रीड कर सकते हो सिर्फ 1 बाइट एट अ टाइम इन अ पाइप। ओके, एट अ टाइम अगर देखा जाए तो आप एक ही बाइट रीड करोगे फिर वापस एक बाइट, इस तरीके से जो आपका रीडिंग का प्रोसीजर है वो एक तरीके से परफॉर्म होने वाला है। तो यह है रीड राइट और यह है उसका बेसिक बिहेवियर। अब चलो रीड राइट की बात ही कर रहे हैं तो अभी थोड़ा रीड राइट के बारे में समझ भी लेते हैं। मान लीजिए मुझे रीड राइट करना है, ओके, तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए भी मुझे सिस्टम की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि सिस्टम कॉल जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक राइट सिस्टम कॉल होता है और एक रीड सिस्टम कॉल होता है।